आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान पठान क्राइम रिपोर्टर के साथ। मुरादाबाद भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या में आरोपी तीनों शूटरों को पुलिस ने मंगलवार सुबह मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ दो स्थलों पर हुई है। इसमें शूटर सुशील शर्मा उर्फ गोलू, सूर्यकांत उर्फ सोनू व आकाश पकड़े गए हैं। मुठभेड़ में शूटरों संग दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों बदमाश कोर्ट में सरेंडर करने को काट की तरफ से कचहरी की ओर आ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अर्पित कपूर और थाना अध्यक्ष सिविल लाइन राम प्रकाश शर्मा को पुलिस टीम के साथ संघ सेवा चौराहे पर लगा दिया। चेकिंग के दौरान कार की तरफ से दो बाइक पर तीन लोग आते दिखे। इन्हें बैरियर लगाकर रोकने का इशारा किया गया तो दोनों बाइक सवार पुलिस को चकमा देकर मुरादाबाद की तरफ तेजी से भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो अगवानपुर पुल के नीचे एक बाइक सवार गिर गया। पुलिस की घेराबंदी देखभाल सवार ने फायरिंग की। गोली लगने से हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह घायल हो गए। आरोपी भी घायल हुआ। आरोपी ने अपना नाम सुशील शर्मा उर्फ गोलू, निवासी अवंतिका कॉलोनी आजाद नगर थाना गजरौला अमरोहा, हाल निवासी ब्रह्मपुरी जेतीपुर थाना मझौरा बताया। इसके पास से 315 बोर तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सुशील के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में भी कई केस दर्ज है।